निहार, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा थोड़ी ना है पापा, तमाशा तो अब होगा और तब तक होगा जब तक रुचिता अपने पति के बारे में नहीं बताती। कहीं निहार जी को सच तो पता नहीं चल गया? एक बार सवाल पूछूंगा और आखिरी बार पूछूंगा, सही सही जवाब तुम्हें देना होगा। तुम्हारे बच्चों के पापा कौन है? निहार जी, आपने कसम खाई थी ना कि आप कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, और वो कसम मैं तोड़ता हूं। कौन? क्या रिश्ता है हमारा? आज जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देती, मैं तुमसे पूछता रहूंगा। कौन है रूही जुई का पापा? कौन है तुम्हारा पति? बताओ। निहार जी, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं। मैं भी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूं। नहीं रुचिता, सवाल का जवाब तो तुम्हें देना होगा रुचिता। जवाब दो, कौन है तुम्हारा पति? कब हुई थी तुम्हारी शादी? ठीक है, पति के बारे में मत बताओ, शादी की डेट तो पता होगी ना? हाँ, रुई जुई कितने साल के हैं ये तो बता सकते हो ना तुम? अरे कम से कम उनकी डेट ऑफ बर्थ ही बता दो। नहीं, रुई जुई 5 साल के हैं ना? हाँ, 5 साल के हैं ना वो, तो इसका मतलब हमारा रिश्ता टूटते ही तुमने फटाफट शादी भी कर ली और फौरन बच्चे भी पैदा हो गए। फौरन हमारा रिश्ता भी भूल गई और हमारा प्यार भी। क्यों? प्लीज निहार, यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या किया है क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? ऑफ कोर्स लेना देना है रुचिता, तो मुझे पिंकू की वजह से छोड़कर गई थी। तुम इतनी तड़पी, इतना दुख हुआ तुम्हें, इतना गुस्सा आया, लेकिन ऐसी नाराजगी, ऐसा गुस्सा कि फौरन दूसरी शादी भी कर ली। 2 दिन में आगे बढ़ गई तुम, मतलब बॉम्ब सही कहती थी, तुमसे अकेले रहा नहीं गया, इसलिए जो मिला उसे अपना कंधा बना लिया। बंद कीजिए लालचन लगा, आपको क्या पता यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या क्या सहा है, कैसे सब मैनेज किया, कैसे खुद को अपनी बोलो रुचिता, क्या बोलने वाली थी, कैसे मैनेज किया बताओ, वही तो सुनना चाहता हूँ कब से, बोलो। मुझे आपको कोई जवाब नहीं दिया। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं यहाँ से क्यों गई। अगर फिर भी आपको सवाल पूछना है तो मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। हे भगवान, कहीं वो लेटर वाली बात सामने ना आ जाए। यार, ये क्या तरीका है रुचिता से बात करने का, और चाहते क्या हो तुम? क्यों उसे इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हो? पापा, मैं इसके पति परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ, और वो असली में परमेश्वर ही तो है जो इंसानों को नजर ही नहीं आते। अरे ना फोटोज में, ना इनकी जिंदगी में, और कमाल की बात तो ये है कि रूही जूही को भी वो आज तक नजर ही नहीं आए। रुचिता, सही बोल रहा हूं ना मैं? ये तो क्या बोल रहा है निहार? अरे मैं नहीं दादी, इनकी बेटियां बोल रही है, और देखिए आज कंपटीशन में इनकी बेटियों ने क्या बताया। देखिए इस पेंटिंग को, देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।